गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वर्णाली। सो मैं अगेन हेबी ऑयलिंग का वीडियो शेयर करूंगी, जो कि मुझे फिर से रिक्वेस्ट आया है। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। ये वीडियो करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मौसम चेंज की वजह जुकाम काफ़ी बढ़ गया था मेरा। सो इसके चलते थोड़ा सा लेट हो रहा है। मुझे रिक्वेस्ट जो किया था उनका नाम लेना मैं चाहती हूँ। तो फर्स्ट मुझे रिक्वेस्ट जो आया था रेगुलर गाय ने किए थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल मुझे हेवी ऑयलिंग के बाद करना है। देन मुझे विजय बॉन्ड ने रिक्वेस्ट किए थे हेवी ऑयलिंग के बाद आपको ट्विन ब्रेड बनाना है। और उसके बाद मुझे साकित कुमार ने रिक्वेस्ट किए थे कि हेवी ऑयलिंग के बाद आपको स्लिक बन बनाना है रबर बैंड के साथ, उसको टाई करना है। और उसके बाद रिक्वेस्ट आया है इंडिया चैनल से पैराशूट कोकोनट ऑयल आपको लगाना है, चप चप करके नानी दादी का स्टाइल में लगाना है, थप थप की का साउंड देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए मना किया है, वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए मना किया है। सो मुझे पूरा साउंड के साथ इस वीडियो को बनाना है। उसके साथ साथ मुझे चम्पी टिप्स देना है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। सो इन सारे का रिक्वेस्ट मैं आज का वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगी, और इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके आज का वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखती हूँ कहाँ तक मैं कर पाती हूँ। कोकोनट पैराशूट ऑयल आप देख सक रहे हो। सो मुझे 200 ml ऑयल का चैलेंज करने के लिए बोले थे विजय बॉन्ड ने, बट मुझे 200 ml ऑयल नहीं मिला, सो एक्सट्रीमली सॉरी। तो मुझे 175 ml ऑयल मिला है। सो मैं इसको ही अप्लाई करूँगी, और मेरा हेयर का लेंथ काफ़ी शॉर्ट है, इसके लिए ये ऑयल काफ़ी हेवी भी हो जाएगा। सो ये न्यू है, आप ये देख सक रहे हो, इसका सील मैं अभी तक खोली नहीं हूँ। तो सबसे पहले इसका सील को मैं ओपन कर लेती हूँ। सो अभी अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मेरा हेयर टैंगल फ्री है। हेयर में ऑयल अप्लाई करने के पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपके हेयर टैंगल फ्री होना चाहिए। मिडिल से मुझे ऑयल अप्लाई करने के लिए कहा गया है, सो मिडिल से मैं पार्टीशन कर लेती हूँ पहले, और पार्टीशन करने के बाद मैं ऑयल को अप्लाई करूँगी। और हेयर को ज़्यादा रफ नहीं करना चाहिए, रफ करने से हेयर फॉल होता है, मैं पहले भी आपको मेंशन कर चुकी हूँ। मैं स्मूथली इसको रफ कर रही हूँ। आपको हेयर को हमेशा पार्टीशन करके ऑयल अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके हेयर के सारे रूट्स में ऑयल जो है एब्जॉर्ब करे। और मुझे चम्पी टिप्स भी कहा गया है देने के लिए, तो चम्पी टिप्स तो बहुत सारा है, उसमें से मैं कुछ कुछ चम्पी टिप्स आपसे शेयर करूंगी। सो हमारे हेयर पे चम्पी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमारे हेयर काफ़ी ड्राई होता है। सो ड्राइनेस के वजह से आपको हेयर पे चम्पी करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप चम्पी करते हैं तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग होगा, आपका हेयर फॉल कम होगा, आपके हेयर में स्मूथनेस आएगी। सो इसके वजह से आपको चम्पी करना चाहिए। चम्पी का बहुत सारा फ़ायदा है, और वीकली में कम से कम 2 days या 3 days ऑयल अप्लाई करना चाहिए।
अप्लाई करने के साथ साथ आपको हेयर में हल्का मसाज भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, इससे हमारे हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, हेयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप हफ्ते में एक बार हॉट ऑयल मसाज ज़रूर कीजिएगा। हॉट ऑयल मसाज करने के बाद आप उसको हॉट स्टीम बद भी दे सकते हो, थोड़ा सा लुकम वाटर में टॉवल को डिप करके उसको थोड़ा सा हेयर पे लपेट के 5 से 10 मिनट उसको रखिए, स्टीम दीजिए। ऐसे करके अगर करते हैं तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और एक टिप्स देना चाहती हूँ मैं, अगर आपके हेयर सिल्कीनेस नहीं है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपको बहुत ही खूबसूरत हेयर चाहिए, ड्राइनेस दूर करने के लिए आप अपने हेयर पे मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो सरसों का तेल में आप थोड़ा सा कर्ड यानी दही को मिक्स कीजिए और मिक्स करके अपने हेयर पर अप्लाई कीजिए। इससे आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ होगा। आपका जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रफ रूखे रहते हैं हेयर, तो इससे आपका ये हेयर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दादी नानी का ज़माने में सरसों का तेल अप्लाई करते थे हेयर पे, हेयर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है। अभी तो हम लोग अप्लाई नहीं करते, बट कभी कभी नानी दादी का नुस्खा अप्लाई करना चाहिए। और हेयर पे ऑयल अप्लाई करते करते आप हेयर को टैंगल फ्री भी करते रहिए, नहीं तो आप जब कॉम्ब कीजिएगा उस टाइम आपका बहुत हेयर फॉल हो जाएगा। इसीलिए अप्लाई करते करते आप फिंगर से अच्छे से स्मूथली करके टैंगल फ्री करते रहिए। हमारे हेयर एक ब्यूटी का पार्ट है, तो उसको शाइनी एंड मजबूत बनाने के लिए हमारे हेयर पे चंपी करना बहुत ज़रूरी होता है। हेयर के बिना हमारे ब्यूटी जो है आधा अधूरा है, इसलिए हमेशा हेयर को मेंटेन करना चाहिए। टी हो गया बॉटल, अभी मुझे करना है हेयर स्टाइल। सो इतने चंपी हेयर में मुझे हेयर स्टाइल करना है, सो देखती हूँ कितना हद तक कर पाती हूँ। सो जब मैं हाथों से टैंगल फ्री कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, आप देख रहे हो। सो ये नेचुरल है, कोई भी आपसे हाइड नहीं कर रही हूँ, आपके साथ सो करके मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अभी मैं करूँगी कॉम्बिंग। तो लास्ट वीडियो में मुझे एक व्यूअर ने बोला था कि कॉम्ब चेंज करने के लिए, सो मैंने इस बार कॉम्ब को चेंज किया है। लास्ट बार मेरा कॉम्ब थोड़ा सा मोटा तीथ वाला था, तो अभी ये बारीक तीथ वाला मैं ली हूँ। आई होप आपको ये कॉम्ब पसंद आएगा। कॉम्बिंग हमेशा नीचे की ओर से करना चाहिए, जैसे आप पूरे हेयर को पहले हाथों के ग्रिप में ले लीजिए और लास्ट पोर्शन जो बचता है उसको धीरे धीरे कॉम्बिंग कीजिए, जो मोटा तीथ होता है इससे पहले कीजिए। सो नीचे पोर्शन से अगर आप कॉम्बिंग करेंगे ना तो आपके हेयर फॉल कम होगा। नीचे की ओर से कॉम्ब करते हुए ऊपर की ओर आऊंगी। हो गया, अब मैं डायरेक्टली ऊपर से कॉम्ब करूंगी।
सो अभी मैं करूंगी स्लिक लो बन विदाउट पार्टीशन करके मुझे लो बन करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कोई भी पार्टीशन नहीं कर रही हूँ। सो मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं करूंगी ट्विन ब्रेड। आज तो मुझे बचपन की याद आ जा रही है। स्कूल टाइम में ना मम्मी ऐसे ट्विन ब्रेड बना देती थी और उस टाइम जो रिवन मिलता था व्हाइट कलर का, फीता बोलते थे हम लोग, सो उस रिवन को दे के मम्मी कोला बेनूनी बनाना फ्लावर बोलते हैं उस टाइप का बना देती थी और हम लोग स्कूल जाते थे। सो मेरा हेयर काफी शॉर्ट है और इधर उधर से निकल जा रहा है। आप सबका रिक्वेस्ट के चलते मुझे आज बचपन का याद आ गया। थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही आप सब मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए, मैं आप सबका रिक्वेस्ट रखने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक देखने से पता चलता है जो आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। पहले पता है मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर था, तो उस टाइम ना मैं ऐसे करके गला में लपेट लेती थी सांप जैसा, इतना लंबा हेयर था मेरा। अभी नहीं आ रहा है, देखिए इतना ही थोड़ा आ रहा है। सो मेरा सेकंड चैलेंज कंप्लीट हो गया है। मैं एक हाई पोनीटेल करूँगी, सो ये भी एक हेयर स्टाइल हो जाएगा। काफ़ी ईजी और काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। ऐसे टाइप का बैंड से मैं इसको टाई कर लूंगी। सो ये एक हेयर स्टाइल हो गया। आप इजीली इस हेयर स्टाइल के साथ बाहर भी जा सकते हो। और एक हेयर स्टाइल मैं दिखाती हूँ इसके ऊपर ही। हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए और इसके बीचों बीच में एक गार्डर बैंड से इसको कीजिए। ऐसे कर लिए, उसके बाद इस हेयर को थोड़ा सा पुल कीजिए
पुल करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा बलून काइंड ऑफ हो जाएगा, तो इसको बलून ब्रेड कहा जाता है। ये शैम्पू हेयर में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये ऑयली हेयर है, इसमें भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपका लुक। सो आप इसको कैरी करके आराम से कॉलेज जा सकते हो, काफ़ी स्मार्ट एंड स्टाइलिश भी लगता है। सो ये भी हो गया और एक हेयर स्टाइल। सो फ्रेंड्स, मैं ये हेयर स्टाइल करके इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको 4 डिफरेंट हेयर स्टाइल मिला देखने को, आप सबको पसंद आया होगा। मैं नानी दादी का स्टाइल में हेयर ऑयलिंग की हूँ, चंपी की हूँ, थप थप की का आवाज़ भी मैं आपसे शेयर की हूँ। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट ही मैं रखी हूँ। विदाउट म्यूजिक विदाउट फास्ट करके मैं इस वीडियो को बनाई हूँ। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए उन सबको थैंक यू सो मच। आगे से आप सब ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहिए, आप सबका रिक्वेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। मैं आप सबका रिक्वेस्ट रखने की कोशिश करते रहती हूँ और चैलेंज एक्सेप्ट भी करती हूँ। आगे आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो देखना है उसके लिए आप जरूर कमेंट करना, और आज का वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट करना। आई होप कि मैं पूरा कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो शूट करके, बचपन की याद आ गई और मेरा हेयर चंपी भी हो गया। सो चलिए आज का वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।